क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविशंकर, सी अब्दुल कलाम आजाद या डी रविंद्रनाथ टैगोर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है हमारा जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा इंडिया का क्लासिकल डांस है? ए डिस्को, बी ब्रेक, सी सैलसा और डी भरतनाट्यम? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज नोन फॉर सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी, हु वॉज ही? हमारे देश के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्हें की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी के लिए माना जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजीव गांधी या डी नरसिम्हा राव? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIR? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIR? ए ऑल इंडिया रेलवे, बी ऑल इंडिया रोड, सी ऑल इंडिया रनवे या डी ऑल इंडिया रेडियो? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का शॉर्ट फॉर्म होता है AIR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि ये पेपर हम देख रहे हैं क्लास 3rd के GK जनरल नॉलेज के, क्लास 3rd के सिल्वर जोन ओलंपियाड के पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ने से पहले चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है इसके। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि सिल्वर जोन ओलंपियाड के सभी क्लास के सैंपल पेपर और सिलेबस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही अदर ओलंपियाड के भी मैं सैंपल पेपर एंड सिलेबस डालती रहती हूँ। अगर आप बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हैं तो एक बार इनको अवश्य देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 3rd के लिए सिल्वर जोन GK का जनरल नॉलेज का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आ जाता है ग्रेट मोमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस, बुक एंड ऑथर्स, पीपल एंड प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, एब्रिविएशन, फ्लैग ऑफ इंडियन कंट्रीज, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, करेंट अफेयर्स, फेस्टिवल ऑफ अर्थ, एवरी डे साइंस, सोलर सिस्टम, म्यूजिक एंड डांस, फिल्म। चलिए और आगे देख लेते हैं। इन सभी पर म्यूजिक एंड डांस एंड फिल्म, ये सभी टॉपिक्स पर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इच मार्क्स 3 रहते हैं, सो टोटल 60 मार्क्स के यहाँ से ये ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है इसी में GK में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जिसके अंतर्गत स्टेट, कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरी, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, जिससे 3 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 9। स्पोर्ट्स एंड गेम्स से इंडोर आउटडोर गेम हो जाते हैं, प्लेयर एसोसिएट विद स्पोर्ट्स, जिससे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 6। साथ ही इसमें स्कॉलर जोन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं। स्कॉलर जोन जो कि आपके हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं, ये जो हमने अभी GK से रिलेटेड क्वेश्चंस के सिलेबस देखे हैं इसी से रिलेटेड रहते हैं हमारे हायर थिंकिंग स्कॉलर जोन से भी, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 30 रहते हैं, टोटल मार्क्स 100 के रहते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ने के पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगी, इसमें टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स रहता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं।
आइडेंटिफाई द वोमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया हु वॉज ऑल्सो ओ पोएट. इसमें से कौन सी ऐसी वोमेन है जो फाइटर फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के समय उसमें जानी जाती हैं और साथ ही एक पोएट भी रह चुकी हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू के बारे में हम जानेंगे. देखिए सरोजनी नायडू 13 फरवरी 1879 से 2 मार्च 1974 तक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पोएट थी. हु वाज द सर्व एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविजंस आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस. सी प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज. चलिए इसको मैं डिलीट कर देती हूँ. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सरोजनी नायडू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. पांडुचेरी इज द मोस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज द लिस्ट पॉपुलेशन. भारत का सबसे आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है. इनमें से कौन सा सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है. ए अंडमान, बी लक्षद्वीप, सी गोवा और डी मिजोरम. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप, जहां पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी स्टार आर देयर इन फ्लैग ऑफ यूएसए. यूएसए के फ्लैग में कितने स्टार्स लगे होते हैं. ए 20, बी 30, सी 50 या डी 60. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 50. चलिए इसके इमेज मैं आपको बता देती हूँ. ये इमेज हो गया आपका. यहाँ पर ये स्टार्स हैं जो कि टोटल 50 स्टार्स हैं यूएसए के फ्लैग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. नेम द ओशियन सराउंडिंग श्रीलंका. श्रीलंका के आसपास कौन से महासागर हैं उसका नाम हमें लिखना है. ए इंडियन ओशियन, बी अटलांटिक ओशियन, सी एक्रेटिक ओशियन और डी पैसिफिक ओशियन. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंडियन ओशियन. करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है. ए जनगणमन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा और डी ये भारत देश है हमारा. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ए प्रणब मुखर्जी, बी वेंकैया नायडू सी रामनाथ कोविंद और डी एपीजे अब्दुल कलाम. क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले का है और अभी एट प्रेजेंट जो है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू. तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एट लिस्ट अभी के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू है अभी की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूंकि क्वेश्चन पहले का है तो इसके हिसाब से इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें. और आप किस सब्जेक्ट को आगे देखना चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं. थैंक यू.